बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? तो आज फाइनली मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और हमने बनाई है Q&A वीडियो आप लोगों के लिए। तो बहुत से सवाल ऐसे थे जो मुझसे पूछे जा रहे थे, तो मैंने कहा चले आज फाइनली इसका जवाब देते हैं आप लोगों को। तो हस्बैंड से मैं पूछूंगी कि हमारी शादी कैसे हुई, इंगेजमेंट किस तरह हुई, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? हमारी तो अरेंज मैरिज है, टोटली अरेंज मैरिज है हमारी। आपने कोई सरप्राइज नहीं रखा, बस अरेंज मैरिज बोल दिया। हाँ तो जो अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज ही बोलूँगा ना, उसमें सरप्राइज क्या है? हमारी भी नहीं है ना, मैंने आपको देखा ना आपने मुझे देखा, अब घर वालों ने इच्छा कर दिया, आपकी पिक दिखाई, मेरी पिक आपको दिखाई, हमने एक दूसरे को पसंद किया और ओके कर दिया। और ओके कर दिया ना, हमने कोई बात की ना हम। तो हमारी इंगेजमेंट की डेट क्या थी? हमारी हुई थी आई थिंक 10 जून 2012 में। एग्जैक्टली, हमारी इंगेजमेंट हुई थी 10 जून 2012 में। और कितने साल रही हमारी इंगेजमेंट माशाल्लाह से? 2 साल, पूरे 2 साल हमारी इंगेजमेंट रही। और कैसे उसमें हमारे बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, बहुत फटे भी हुए और नाराज़गियाँ भी हुई, लेकिन फिर भी हमने जो है वो 2 साल जो है वो गुजार लिए इंगेजमेंट तो वो तो हर रिलेशन में होते हैं। अच्छा जी, तो लेकिन भाई माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजरा उस 2 साल में। बहुत सारी मेरी ईदियाँ आती थी, इनकी ईदियाँ आती थी, और जो है लेकिन लेकिन इन 2 साल में ना हमारी कोई मुलाकात हुई, ना हमारी कोई क्या कहते हैं कि उसको। अच्छा, तो हमारी इंगेजमेंट किस तरह हुई थी, मतलब फैमिली में से पहले आए थे? मतलब आपकी फैमिली वाले आए थे मुझे देखने के लिए? हाँ, तो हमारी फैमिली आए थे ना तो देखने के लिए। इन्होंने मुझे नहीं देखा था जब तक, फेस टू फेस भी नहीं देखा था, पिक में भी नहीं, पिक में शायद देख लिया था। हाँ, पिक तो आपके आगे थी ना, उसमें मैंने देख लिया था, पिक में देख लिया था, और मैंने भी पिक में देख लिया था। और जब मैंने इनको पिक में देखा था ना, तो मेरे सीरियसली लिटरली जो मेरा एक एक्सपीरियंस कह रही हूँ एक्सप्रेशंस थे ना, तो वो ऐसे थे कि मैंने कहा शुक्र कोई लड़का मिला है, कोई मुझे बुढ़ा सा आदमी नहीं मिल गया। क्योंकि ये बहुत खूबसूरत छोटी सी एज थी इनकी, मेरी भी बहुत छोटी एज थी, तो बहुत यंग से थे, तो ये बहुत अच्छा सी लगे ना देखते के साथ। इनका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल क्लीन शेव हुआ करते थे ये, और इनकी एज काफ़ी छोटी थी। इंशाल्लाह ताला कभी जो है ना इंगेजमेंट एल्बम की भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं शेयर। और आपका रिएक्शन कैसा था मेरी पिक देखकर? हाँ, मैंने आपकी पिक देखी थी और मुझे आप अच्छी लगी, मैंने कहा पिक तो अच्छी है, तो मैंने अम्मी अबू को बोला मैंने आप जाके देख लें, जो भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर उसके बाद ओके कर देंगे। अच्छा, मतलब आपको मैं पिक में अच्छी लगी थी? हाँ, पिक में तो आप अच्छी लगी नहीं, और आपकी पिक क्या कहते हैं, पता नहीं क्या स्टूडियो से खींची हुई थी? नहीं 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 नहीं, स्टूडियो से नहीं खींची थी, वो मेरी बहन नया की जो है ना मंगनी हुई थी इंगेजमेंट, उसकी पिक थी वो, मैं उसमें तैयार हुई हुई थी, वो उसकी पिक थी। और वो रिसेंटली इंगेजमेंट हुई थी, आई थिंक फेब्रवरी में इंगेजमेंट हुई थी, और मार्च में वो पिक इनके पास चली गई थी, मार्च में हमारा रिश्ता आया था। तो वो आपकी पिक मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है, मैंने आशा संभाल के रखी, वो पिक मेरे पास दे रहे हैं, वो सेफ है बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी मेमोरी आ गई। और जो इनकी पिक है ना वो मेरे पास रखी हुई है अभी तक। अच्छा, तो फिर अब शादी कैसे हुई? शादी मतलब 2 साल का गैप दिया, इनके घर वाले कह रहे थे, मतलब मेरे इन लॉज वाले कह रहे थे कि शादी जल्दी करेंगे, और मेरे बाबा की तरफ से थी कि थोड़ी सी टाइम लेंगे शादी में, तो 1.5 साल का 2 साल का डिसाइड हुआ था, तो वो 2 साल का पीरियड बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर 2 साल के बाद शादी? अच्छा, तो मैं जॉब भी कराची में करता था, आपको पता जब हमारे से लगा था तो मम्मी ने बोला था कि जल्दी शादी करेंगे, तो आप लोग के घर वाले ने बोला कि देर में करेंगे, तो फिर मैं कराची से जॉब छोड़ के आ गया था हैदराबाद, कि नहीं अब शादी करनी है तो फिर कराची में जॉब नहीं करनी है, हैदराबाद में जॉब करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने हैदराबाद में ज्वाइनिंग कर ली थी जॉब की, और माशाल्लाह से मेरी कोलगेट कंपनी में जॉब लग गई थी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह, हाँ कोलगेट के बाद ही हमारी इंगेजमेंट हुई थी जी, है ना? हाँ, तो कोलगेट के जब मैंने कोलगेट ज्वाइन करी थी,
अच्छा तो फिर अब शादी कैसे हुई? शादी मतलब 2 साल का गैप दिया, इनके घर वाले कह रहे थे, मतलब मेरे इन लॉज वाले कह रहे थे कि शादी जल्दी करेंगे, और मेरे बाबा की तरफ से थी कि थोड़ी सी टाइम लेंगे शादी में, तो 1.5 साल का 2 साल का डिसाइड हुआ था, तो वो 2 साल का पीरियड बहुत अच्छा था। अच्छा फिर 2 साल के बाद शादी? अच्छा तो मैं जॉब भी कराची में करता था, आपको पता है जब हमारे से लगा था तो मम्मी ने बोला था कि जल्दी शादी करेंगे, तो आप लोग के घर वालों ने बोला कि देर में करेंगे, तो फिर मैं कराची से जॉब छोड़ के आ गया था हैदराबाद, कि नहीं अब शादी करनी है तो फिर कराची में जॉब नहीं करनी है, हैदराबाद में जॉब करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने हैदराबाद में ज्वाइनिंग कर ली थी जॉब की, और माशाल्लाह से मेरी कोलगेट कंपनी में जॉब लग गई थी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह, हाँ कोलगेट के बाद ही हमारी इंगेजमेंट हुई थी जी, है ना। हाँ को तो कोलगेट के जब मैंने कोलगेट ज्वाइन करी थी तो शादी हमारी, तो फिर उसके बाद हमारी फिर जो है वो शादी की डेट जो है वो फिक्स हो गई, तो फिर तकरीबन ईद के 4th दिन हमारा निकाह था, ईद का 4th दिन था, उसके बाद हमारा निकाह था मस्जिद में। तो उस दिन बारिश का मौसम भी बड़ा टाइट था, बारिश हो रही थी बहुत, भी आई थी फ्राइडे का दिन था और इतनी कोई दिन गर्मी में थी। इतनी गर्मी थी कि क्या बताएं, और रात में भी बारिश हो गई थी, और रात में फिर हमारे कज़न की भी इंगेजमेंट थी हैदराबाद में, हाँ मेरी कज़न की इंगेजमेंट थी हैदराबाद में, तो हमारा निकाह हो चुका था, तो मैं इनके घर वालों से परमिशन ली थी कि मैं अपने कज़न की इंगेजमेंट में उनको लेके साथ लेके जाऊँ, तो उन्होंने परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है आप ले जाए, आप तो निकाह में आ गई हैं आपके, तो आप ले जा सकते हैं इनको, तो फिर इनको अपने कज़न की निकाह में जो है वो सॉरी। अच्छा अब शादी कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी? हाँ फिर हमारा जो है वो ईद के 4th दिन जो है वो हमारा निकाह था, फिर निकाह हुआ हमारा, उस दिन बहुत 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 शदीद गर्मी पड़ रही थी, फ्राइडे का दिन था, फिर हमारा निकाह हुआ, मैं मस्जिद में था, ये घर पे थी, हमारा निकाह हुआ, उसके बाद फिर शाम में जो है वो मेरे कज़न की जो है वो इंगेजमेंट थी हैदराबाद में ही, तो निकाह के बाद मैंने घर वालों से परमिशन मांगी कि मैं इनको जो है वो अपने कज़न की मंगनी में लेके जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, हाँ आप ले जा सकते हैं क्योंकि आपके निकाह में आ गई हैं। ऑफिशियली हमारा निकाह हो चुका था, तो फिर मैं जो है इनके साथ फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ जो है बाइक पर बैठी थी, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम। फिर हम लोग गए उनके क्या नाम है मंगनी में, तो वहाँ पर इनका सबसे इनोग्रेशन हुआ हमारे पूरे रिश्तेदारों से। फिर सबसे मिलने के बाद इन्होंने ही मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर ड्रॉप किया। हाँ सबसे जब मैंने इनका इंडक्शन कराया वहाँ पे सबसे, तो इनके भाई की को ना मेरे पास कॉल पे कॉल आ रही थी कि क्या हुआ, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई पता लेके नहीं आए, क्या हुआ इतनी देर हो गई लेके नहीं आए। मैंने हाँ अभी जो है वो तकलीफ में ये, हम लोग अभी इंगेजमेंट चल रही है, मैं आप छोड़ दूंगा। वो सीन बहुत फनी था, सनी भाई की कॉल पे कॉल कहाँ रह गए, 1 बजे का टाइम हो गया था। हाँ उनको फिक्र हो रही थी कि कहाँ लेके चला गया कहाँ चला गया, लेकिन हम लोग वही इंगेजमेंट पे थे, वो फिर मैंने इनको जो है टाइम से घर पे छोड़ दिया था, तो उसके बाद फिर हम लोग भी जो है अपना जो है वो कज़न की इंगेजमेंट जो है वो इंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ से फ्री होके ये लोग अपने घर चले गए थे, और उसके जो है कुछ दिनों बाद 5 दिन बाद हमारी माइयों थी निकाह के। अच्छा फिर हमारी शादी स्टार्ट हो गई थी, कौन सी डेट को माइयों थी हमारी? ईद के 4th दिन। ये साथ साथ ना इनका इम्तिहान भी हो रहा है, एग्जाम भी हो रहा है, ईद के 4th दिन हमारी माइयों, 4th दिन निकाह था और 4th दिन माइयों थी, वाह वाह वाह, 4th दिन निकाह था और ईद के 5 दिन बाद। इससे पहले दिन हमारा निकाह हुआ था? नहीं, ईद के 4th दिन हमारा निकाह हुआ था, उसके ईद के 5 दिन बाद फिर हमारी माइयों थी, 5 तारीख को हमारी माइयों थी आई थिंक जी, और 30 को जो था वो हमारा निकाह हुआ था, और फिर वो माई वाले इनके घर में फंक्शन भी था, तो मुझे तो इन्होंने इन्वाइट किया नहीं था माइयों के अंदर, लेकिन इन्होंने बोला कि फंक्शन में आपको लाजमी आना है, इनके भाई ने मुझे बोला कि आपको फंक्शन में लाजमी आना है, माइयों भले आप अटेंड नहीं करें लेकिन आपको वो फंक्शन में आना है। लेकिन उस दिन मुझे शदीद बुखार हो रहा था, मेरी तबीयत असल में जाग जाग के जो है ना वो शादी।
असल में हम दो भाई थे तो शादी का अरेंजमेंट भी देखनी थी, तो सुनवाई वाले दिन हमारे मेरे को बहुत शदीद बुखार हो चुका था, तो इनके यहाँ जो वो मायू की तकलीफ थी, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ फंक्शन के अंदर। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो मतलब अपनी फिर मैं मायों इनके फंक्शन में गया, वहाँ पर लेकिन इनका फंक्शन अटेंड किया मैंने, तो वहाँ बड़ा मज़ा आया इनकी मायों देख के भी। लेकिन जब भी मुझे मायों में से मुझे नहीं मिलने दिया। मिलने दिया था, हम साथ बैठ के हमने फंक्शन देखा था साथ बैठ के नहीं, साथ मैं पीछे बैठा हुआ था, आप आगे बैठी हुई थी। नहीं नहीं, हम बराबर बराबर चेयर्स पे बैठे हुए थे और हमने खाना भी साथ खाया था रूम में। नहीं, आप आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठा हुआ था। हाँ, खाना जरूर साथ में खाया था, खाना। हाँ, ये बात सच सही कह रही है कि हमने खाना जरूर साथ में खाया था, लेकिन फंक्शन हमने जो है वो अलग देखा था। तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना, इन लोगों की मेहंदी थी, मतलब इनकी मेहंदी थी, तो उसमें मुझे इनवाइट किया था, तो मैं भी गई थी। मेरे इतने इतने हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और मैं गई थी, और इन्होंने ना फिर उसमें जो है गाना भी गाया था मेरे लिए। क्या फंक्शन में इनके यहाँ भी फंक्शन था? हाँ, तो हमारी कंबाइन थी मेहंदी, और इन्होंने सेपरेट की थी, क्योंकि इनकी कंबाइन इसलिए थी क्योंकि मेरी नन की भी जो है साथ शादी हुई है हमारे, तो उसकी माइयों थी और इनकी मेहंदी थी, तो इन लोगों की कंबाइन थी। यहाँ मेरी सिंगल थी तो सिर्फ मेरी थी और इन लोगों की कंबाइन थी। उसके बाद नेक्स्ट डे फौरन ही जो है हमारी बारात थी। मैं इतनी थक गई थी और ये भी बहुत थक गए थे, क्योंकि मेहंदी की पूरी रात तकरीबन हम 3 बजे जो है घर वापस गए, और मुझे सुबह जो है 10 बजे पार्लर जाना था, तो मैं पार्लर के लिए भी आधे घंटा लेट हो गई थी। मैं 10:30 बजे पार्लर पहुंची हूँ, और फिर मुझे भी वो जो है अपना सेटअप वगैरह बाइंड अप करना था फंक्शन, तो बहुत थक गए थे, ये भी बहुत थक गए थे उस दिन मेहंदी वाले दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे फौरन ही हमारी बारात थी, गैप नहीं था, है ना? हाँ, फिर नेक्स्ट डे बारात थी, तो 8 अगस्त को हमारी बारात थी। 2014 8 अगस्त को हमारी बारात थी, और फिर इनको बारात वाले दिन जो है वो हमारी जो है वो इंटरव्यू हुई थी। और जब पता चला ना मुझे कि बारात आ गई, मैं वेडिंग रूम में बैठी हुई थी, ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी, और जब मुझे पता चला कि बारात आ गई, तो वाकई एक फीलिंग ही अलग होती है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, घबराहट शुरू हो जाती है। और फिर उसमें जो है हमारी एंट्री साथ हुई, और फिर मैंने इनको देखा, और तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। मैं तो फर्स्ट, मेरे साथ तो ये होता था, मैं इनको देखती थी तो मुझे हंसी शुरू हो जाती थी, पता नहीं वो बचपना था क्या था, मुझे बस हंसी हंसी आती रहती थी, मेरी बारात में हंसी जी। और ये बारात और वली में जो एंट्री का जो सीन होता है ना, ये जो लाइट मारी जाती है चेहरे के ऊपर और फुल अंधेरा कर दिया जाता है, तो यकीन माने हमें तो, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था जब लाइट हमारे चेहरे पर पड़ी थी, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे, कैसे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे देखे बस ना, हम ना अंधे हुए हुए थे, बस हमें सिर्फ लाइट नजर आ रही थी, उस पर भी हमें इतनी हंसी आ रही थी। फिर वो लोग पॉजेज ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बनाए ऐसे बनाए, एक ना अजूबा लग रहे होते हैं ब्राइड्स, ग्रूम और ब्राइड्स दोनों। हम जैसे करके स्टेज पे पहुंचे हैं, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो सुबह स्टेज पे तो पहुंच गए, और वो एंट्री इतनी लंबी हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होती है, वो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उसके बाद स्टेज पे जाकर जो सब की नज़रें हाँ एक दुल्हन और दूल्हा पे होती ना, वो सब कुछ वो बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत कंफ्यूज करती है दूल्हा दुल्हन को ना, ये सबकी नज़रें जो हमारे ऊपर होती। अरे जो बारात में जो हमारा सबसे अच्छा सीन हुआ था ना, वो रुखसती का हुआ था। जो रुखसती में आपको ये बताएंगे, सब रो रहे थे, सब A to Z, मेरे बहन भाई, मेरे बाबा, चचा चची, सब रो रहे थे। और जब हमारी गाड़ी जा रही थी ना, तो मेरी गाड़ी को पकड़ लिया था मेरे भाइयों ने, मेरे तीनों भाइयों ने, तो इन्होंने क्या बोला था ड्राइवर को, और मेरी सीट पे मैं खालू बैठ गए थे, बोला था देखो बैठी दूंगा मैं, हाँ, मैं लेके जाऊंगा। वो रियाज अंकल, रियाज भाई बैठ गए थे और कहने लगे मैं लेके जाऊंगा, तुम बाहर खड़े रहो। और इन्होंने ड्राइवर को बोला भाई तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ, आंखें बंद करके तुम गाड़ी ले चलो, ये इसके घर वाले इसकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। और कार लिए हम लोग घर पहुंचे, तो वहाँ पर फिर जो है वो जब हम लोग घर पहुंचे, तो वहाँ पर जब हमारी एंट्री हुई घर के अंदर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जो है मैंने फायरिंग भी की थी शायद। जी जी,
तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8 अगस्त को मैं इनके साथ इनके घर चली गई थी ऑफिशियली रुखसत होके। और मैंने फायरिंग भी की थी तो ये बहुत डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ये फायरिंग कर रहे थे, तो मैं इनके पीछे ऐसे छुप गई थी जैसे फायर मुझे लग जाएगा, और एक हाथ से इन्होंने फायरिंग की थी। और माशाल्लाह हमारी एंट्री बहुत अच्छी थी, घर के अंदर बहुत अच्छी हुई थी। मैं इनको उठा के मुझे गोद में उठा के, और हमारे जो ना सेकंड फ्लोर पे घर था, तो मैंने इनको इतना टाइट पकड़े थे मुझे लगता है ये मुझे फेंक देंगे। और जबकि मैं इतना हल्का वजन था, लेकिन ये भी बहुत वीक थे, जब छोटे थे ना तो दोनों ही छोटे थे, तो मैं तो ऐसा लग रहा था ये मुझे फेंक देंगे आधे रास्ते। वो मेरी शेरवानी और इनके जो सूट के जो वो नक वगैरह थे वो सारे ना वो सारे वो कहते हैं तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8 अगस्त को मैं इनके साथ इनके घर चली गई थी ऑफिशियली रुखसत होके। और मैंने फायरिंग भी की थी तो ये बहुत डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ये फायरिंग कर रहे थे, तो मैं इनके पीछे ऐसे छुप गई थी जैसे फायर मुझे लग जाएगा, और एक हाथ से इन्होंने फायरिंग की थी। और माशाल्लाह हमारी एंट्री बहुत अच्छी थी, घर के अंदर बहुत अच्छी हुई थी। मैं इनको उठा के ऊपर मुझे गोद में उठा के, और हमारे जो ना सेकंड फ्लोर पे घर था, तो मैंने इनको इतना टाइट पकड़े थे मुझे लगता है ये मुझे फेंक देंगे। और जबकि मैं इतना हल्का वजन था, लेकिन ये भी बहुत वीक थे, जब छोटे थे ना तो दोनों ही छोटे थे, तो मैं तो ऐसा लग रहा था ये मुझे फेंक देंगे आधे रास्ते। वो मेरी शेरवानी और इनके जो सूट के जो वो नक वगैरह थे वो सारे ना वो सारे वो कहते हैं तो फिर हमारा एक दिन बाद नहीं सेकंड डे फौरन ही वलीमा था 9 अगस्त को। और वलीमे की जो एंट्री थी हमारी वो तकरीबन एक से डेढ़ घंटे की एंट्री थी। एक घंटे की हमारा तो मस्त फ्लोर थी। ही खत्म नहीं होके दे रहा था, मैं और ये दोनों परेशान हो गए थे। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी सैंडल्स उतार दूँ, इतनी हाई हील थी और वो फ्लोर ही खत्म नहीं हो रहा था। और ये तो एंड पर जो है ना बीच में जो है ना कैमरामैन पे गुस्सा भी हो गए थे। मैंने उसको डांट भी दिया था, डांट भाई अब खत्म कर दे हमें स्टेज पे बिठा दे जाके, लेकिन वो बोला नहीं अभी बाकी रह गई। फिर उसके बाद हम फ्लोर पे गए, उसके बाद फिर हम लोगों ने डांस भी किया था, और उसके बाद फिर जो है हम लोग उधर भी बहुत देर तक फोटो सेशन होता रहा हमारा। फिर उसने हमें जाकर बिठाया, और जो मतलब वहाँ सुकून मिला बैठने के बाद, वाह वाह। कुछ वो आइस स्मोक की कुछ सेटिंग की हुई थी, जब वो छोड़ी गई तो हमें तो अगस्त का मंथ था, उसमें बहुत हब्स और बारिश का मौसम था, तो गर्मी बहुत थी। हाँ, तो जब वो आइस स्मोक जो वो जो जब चल रही थी तो हमें बड़ी ठंडक महसूस हुई थी, बहुत सुकून मिला। और वो पांवों के नीचे से कहीं से उन्होंने छोड़ा था वो धुआं, तो इतना अच्छा ऐसा लग रहा था जैसे बस हमारे एसी लग गया हमारे पांवों में ना, बहुत जबरदस्त। और वो खाली फ्लोर पे ही रहता, यानी कि खाली ऊपर पूरे एरिया में अंदर वो जो है ना वो फैल गया। और हमारा वलीमा फ्लोर फ्लोर पे रहता वो दयालदास क्लब में हुआ था, और वो इन लोगों ने अपना अरेंजमेंट करवाया था, तो इतना कोई खूबसूरत अरेंजमेंट था, इतना खूबसूरत अरेंजमेंट करवाया था मेरे जेट ने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वलीमा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और उसमें इनके भाई की जो है वो इनके भाई की भी इंगेजमेंट हो चुकी थी जब तक, तो उनकी मंगेतर भी आई हुई थी, तो इनके भाई जो है वो उनको टाइम दे रहे थे। तो अगस्त का मंथ था, उसमें बहुत हब्स और बारिश का मौसम था, तो गर्मी बहुत थी। हाँ, तो जब वो आइस स्मोक जो वो जो जब चल रही थी तो हमें बड़ी ठंडक महसूस हुई थी, बहुत सुकून मिला। और वो पांवों के नीचे से कहीं से उन्होंने छोड़ा था वो धुआं, तो इतना अच्छा ऐसा लग रहा था जैसे बस हमारे एसी लग गया हमारे पांवों में ना, बहुत जबरदस्त। और वो खाली फ्लोर पे ही रहता, यानी कि खाली ऊपर पूरे एरिया में अंदर वो जो है ना वो फैल गया। और हमारा वलीमा जो है फ्लोर पे रहा था, वो दयालदास क्लब में हुआ था, और वो इन लोगों ने अपना अरेंजमेंट करवाया था, तो इतना कोई खूबसूरत अरेंजमेंट था, इतना खूबसूरत अरेंजमेंट करवाया था मेरे जेट ने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वलीमा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और उसमें इनके भाई की जो है वो इनके भाई की भी इंगेजमेंट हो चुकी थी जब तक, तो उनकी मंगेतर भी आई हुई थी, तो इनके भाई जो है वो उनको टाइम दे रहे थे। ये सिर्फ जॉकिंग, जस्ट जॉकिंग है ये सनी भाई के लिए, जस्ट किडिंग। और वलीमे का त्यौहार बहुत खास था,
क्योंकि हम ये जो है इनको मैं पूरा छोड़ गया दिन के अंदर दोपहर में। उसके बाद फिर जो है वो मैंने जो है वो दयालदास में हम लोगों की अपनी सेटिंग थी वहाँ पे अरेंजमेंट कराया। उसके बाद फिर मैं जो है वो मुझे रिसीव करने आई है इनको से। इनको रिसीव करना, मुझे तैयार होना, मुझे जो है वो जैसे मतलब हम लोग भी जो है वो हेड से के पास जाते हैं थोड़ा फेशियल वगैरह कराने के, तो मैं वहाँ गया। रूम है ना तैयार होने तो जाएंगे, तो हम लोग मैं वहाँ गया। फिर इनको इनको पिक करना था पार्लर से, पार्लर से इनको पिक करके फिर मेरे को घर लेकर आया भाई। फिर वो वाइफ की जिम्मेदारी हो जाती है ना कि अब आपको ही लेने जाना है। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं फिर घर पे रेडी हुआ। असल में मैंने चेंज नहीं किया था, मैं ऐसे चला गया था उनको लेने के लिए, क्योंकि इनका इन जो है ना फ़ोन आ गया था कि मैं रेडी हूँ आप मुझे लेने आ जाएँ। तो फिर मैं इनको लेने के लिए आया, इनको लेके फिर मैं घर आया। घर पे आके फिर मैं रेडी हुआ, फिर मैं घर आया, मैं खुद रेडी हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जो वो जो है गाड़ी के अंदर जो है वो ज़्यादा कल तक पहुँचे। वहाँ मैंने गाड़ी रोकी, फिर उसके बाद हमारी एंट्री हुई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हमारी एंट्री थी, तो उसमें हम लोग बहुत थक गए थे। कैमरा मैन भी बहुत तंग कर रहा था और कैसे पोज दो ऐसे पोज दो, असल में मैं नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, फुल अंधेरा हो रहा था। वो फॉक्स लाइट वगैरह सब हमारे मुंह के ऊपर पड़ रही थी भाई। फिर उसके बाद जब हम फ्लोर तक पहुंचे तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो है वो भाई ने बोला आप लोग का डांस का प्रोग्राम है, आप लोग डांस करोगे। तो फिर हम लोगों ने डांस किया वहाँ पे थोड़ा सा, कौन सा गाने भी क्या था वहाँ पर तो मेडलो चल रहा था ना। हाँ, तो बहुत सारे मिक्स गाने, लेकिन हमारी एंटी के ऊपर जो गाना चला था वो बहुत बेहतरीन चल रहा था। हाँ। वो आशा हमें याद है। कौन सा था? कौन सा गाना? तो ये था आज का हमारी पूरी जो है जर्नी हमारी इंगेज से लेके शादी तक की। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि आपके ये 9 साल कैसे गुजरे, शादी के बाद के 9 साल। माशाल्लाह फिर हमें अल्लाह ताला ने बच्चों से नवाजा, पहले मारिब हुआ, उसके बाद मिशेल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह से बेटा बेटी दोनों हमें अता हो गए। आपका कैसे गुजरा? मेरे तो अच्छे गुजरे, क्योंकि अरेंज मैरिज जो होती है वो उसमें जो है वो लव मैरिज से ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि लव मैरिज में जो है वो हर चीज़ अच्छी नापसंद सब कुछ पता होता है पहले, लेकिन अरेंज मैरिज में जो है ना वो सब कुछ जो है ना शादी के बाद पता चलता है। तो उसको जो है ना फेस करने में बड़ा मज़ा आता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, कहाँ लेके जाना है, क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। तो इसमें जो है ना बड़ा मज़ा आता है। तो ये था आज का हमारी पूरी जो है जर्नी हमारी इंगेज से लेके शादी तक की। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि आपके ये 9 साल कैसे गुजरे, शादी के बाद के 9 साल। माशाल्लाह फिर हमें अल्लाह ताला ने बच्चों से नवाजा, पहले मारिब हुआ, उसके बाद मिशेल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह से बेटा बेटी दोनों हमें अता हो गए। आपका कैसे गुजरा? मेरे तो अच्छे गुजरे, क्योंकि अरेंज मैरिज जो होती है वो उसमें जो है वो लव मैरिज से ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि लव मैरिज में जो है वो हर चीज़ अच्छी नापसंद सब कुछ पता होता है पहले, लेकिन अरेंज मैरिज में जो है ना वो सब कुछ जो है ना शादी के बाद पता चलता है। तो उसको जो है ना फेस करने में बड़ा मज़ा आता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, कहाँ लेके जाना है, क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। तो इसमें जो है ना बड़ा मज़ा आता है। तो कैसे गुजरे 9 साल? तो 9 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह से। हमारे लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, और माशाल्लाह से उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो देखिए उसी में प्यार होता है ना, लड़ाई झगड़े में प्यार होता है। अगर सिर्फ हम लोग लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे ना, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं होती। वो ही मज़ा है जिसमें आप लड़ो झगड़ो, अपने दिल का इजहार करो, फिर वो दूसरे वाला दूसरे सामने वाला आपको मनाए। लेकिन मुझसे ज़्यादा आपको ये बताएंगे इनको कितना मज़ा आया 9 साल के अंदर, क्योंकि मर्द तो आपको पता है कि वो यही बोलेगा कि मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन एक जो लड़की की जो ख्वाहिश होती है ना वो असल में वो ही बता सकती है कि कितना मज़ा आया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कितना मज़ा आया इनके साथ, कितना मैंने जो है इनको मतलब मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए, इन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए लाइफ में, क्योंकि ये एक।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी। हमने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए, ये Q&A लाए हम, और ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे माशाल्लाह से मारिब और मिशल, और हम सबको पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रख रही हूँ। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को खूब सारा लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।